एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो एनटीपीसी का कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जारी कर दिया गया है रेलवे द्वारा। बता दिया गया है कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है और एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सभी कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ भी क्वेरीज हो तो नीचे आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब वीडियो को लाइक भी करके ही आगे बढ़िएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, जो कि आपको बता दिया गया है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम इशू हुआ था, ये फॉर्म जो निकला था 01/2019 28 फरवरी 2019 को निकला गया था। कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के साथ निकाले गए थे, जो कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट बेसिस पे था। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है प्रोविजनली एलिजिबल और रिजेक्टेड का बात किया गया है कि आगे आप देख सकते हैं आपके थ्रू अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ होगा तो आपके पास SMS या ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, जो कि आप रजिस्ट्रेशन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस समय जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी प्रोवाइड किए होंगे उसी पर आपको मैसेज आ जाएगा। और जो अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आप अपने एप्लीकेशन नंबर और साथ में डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पर लिंक जो कि एक्टिवेट किया जाने वाला है 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, आप पूरा देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने NTPC के लिए भरा है वो अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कारण था कि अप्रूव्ड नहीं हुआ, सभी कुछ आपको वहां पे दिखा दिया जाएगा। कुछ भी और भी इम्पॉर्टेंट, जैसे कि कुछ भी फ्रॉड रिलेटेड, जो कि फेक प्रॉमिस, अपॉइंटेड जॉब, इलीगल जो भी हो रहे हैं, जो भी अदर सोशल मीडिया हैंडलिंग पे या कोई भी वायरल हो रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कीजिए, ये सब कुछ रिगार्ड रेलवे द्वारा बिल्कुल बता दिया गया है। ये नोटिस आज का ही है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।